नमस्कार पियाड़ी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। पियाड़ी जवानों के लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। पियाड़ी पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम ऑटोमेटिक ड्यूटी से गुजर रहे हैं। उनके निजी निवास स्थान से 10 किलोमीटर व 15 किलोमीटर व निजी निवास स्थान विकासखंड के सीमा परिधि में संशोधन कर पियाड़ी ड्यूटी आदेश महा अक्टूबर 2023 से लागू कराए जाने के संबंध में एक ज़रूरी अपडेट निकल के आ रही है। उसके बारे में अभी आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से यहाँ पर पियाड़ी जवानों की ओर से अनुरोध किया गया है कि उनकी ड्यूटी सीमा परिधि में संशोधन कर पियाड़ी ड्यूटी आदेश जारी किया जाए और इसको माह अक्टूबर से लागू किया जाए। इसके बारे में जो ज़रूरी अपडेट है आगे वीडियो में अभी सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। भविष्य में पियाड़ी जवानों से जुड़ी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर पियाड़ी जवानों से जुड़ी हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं उस खबर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12/9/2023 यानी कल का दोस्तों है अपडेट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेवा में आदरणीय सम्माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कैबिनेट मंत्री प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय में आप देख सकते हैं, जनपद फिरोजाबाद के समस्त पुरुष एवं अन्य उत्तर प्रदेश के 3 जनपद व पूरे उत्तर प्रदेश के जो कि पियाड़ी पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम ऑटोमेटिक ड्यूटी से गुजर रहे हैं, उनके निजी निवास स्थान से 10 किलोमीटर व 15 किलोमीटर व निजी स्थान विकास खंड के सीमा परिधि में संशोधन कर पियाड़ी ड्यूटी आदेश माह अक्टूबर 2023 से लागू कराने के संबंध में। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण महानिदेशालय के पद संख्या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 28 अगस्त 2023 का माह सितंबर 2023 से पियाड़ी जवानों की ऑनलाइन ऑटोमेटिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत माह सितंबर 2023 की ड्यूटी का आदेश समस्त जवानों द्वारा जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी जनपद फिरोजाबाद के कार्यालय के ड्यूटी आदेश माह सितंबर से संबंधित प्राप्त हुआ है। उस संबंध में जनपद फिरोजाबाद के समस्त पियाड़ी पुरुष महिला जवानों की ड्यूटी उनके निजी निवास स्थान से ड्यूटी कार्यक्षेत्र की दूरी 80 किलोमीटर पड़ती है। प्रत्येक जवान उनकी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार द्वारा वर्तमान में पियाड़ी जवानों को ड्यूटी भत्ता पारिश्रमिक जो है 395 रुपये प्रतिदिन लगभग 12,000 रुपये प्रति माह मिलता है। लगभग इतने रुपये में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी आपकी सरकार द्वारा इतनी 80 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम से लगाई जा रही है। यह कार्य तो माननीय मुख्यमंत्री जी सराहनीय है, आप बधाई के पात्र हैं, पर इतनी दूरी 80 किलोमीटर ड्यूटी पॉइंट ऑनलाइन आदेश में ड्यूटी प्रति जवान की लगकर आई है, जिसमें पियाड़ी जवानों का पूरे माह का पारिश्रमिक यानी ड्यूटी भत्ता मानदेय किराए भाड़े में ही खर्च हो जाएगा। इस परिस्थिति में पियाड़ी जवानों के परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी भुखमरी की कगार पर आने की स्थिति पैदा हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे जनपद फिरोजाबाद के समस्त पियाड़ी के पुरुष महिला पियाड़ी जवानों की घर व परिवार पारिवारिक पत्नी एवं बच्चों की परिस्थितियों को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट ऑनलाइन ड्यूटी सिस्टम पियाड़ी जवानों के निजी निवास स्थान से जो कि 80 किलोमीटर की रेंज एरिया में संशोधित करते हुए पियाड़ी जवानों पुरुष व महिला को 15 किलोमीटर में माह अक्टूबर 2023 से महानिदेशालय को निर्देश जारी कर ड्यूटी संशोधित आदेश लागू करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सदैव पियाड़ी जवानों व विभाग के मसीहा हैं। आपने सदा ही पियाड़ी जवानों को आपकी सरकार ने अपने रहमो करम से ड्यूटी बजट बढ़ाया और उनकी सरकार आपकी सरकार ने पियाड़ी जवानों का 2 बार मानदेय में वृद्धि की। जब पियाड़ी जवान एवं विभाग विलुप्त की कगार पर थे, पूर्व सरकारों की अनदेखी एवं उपेक्षा सौतेला व्यवहार के कारण पियाड़ी जवान एवं विभाग पलायन की और विलुप्त यानी ख़त्म होते हुए जा रहा था।
तो आप पीआरडी जवानों के मसीहा बनकर सरकार के मुखिया व सरकार के मुख्य पद पर विराजमान हुए। उसी दरमियान में आपने विभाग की स्थिति एवं परिस्थितियों को परखा और जाना। तब आपने पीआरडी जवानों की ड्यूटी से संबंधित भत्ते और बजट 23 करोड़ से बढ़ा करके आज लगभग 260 करोड़ के लगभग है। और आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपद में थाना एवं ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बाढ़ राहत और आपदा राहत एवं अन्य विभागों में सुरक्षा कानून व्यवस्था और सामाजिक समाज की सुरक्षा एवं कानून के स्थापना पीआरडी जवान खुशहाली से ड्यूटी पर बड़े अनुशासन में समाज व कानून की रक्षा एवं सुरक्षा व स्थापना कायम करने एवं ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी से निर्वह कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण पूर्ण अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि पीआरडी जवानों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिनांक 3 अगस्त 2023 के जजमेंट सिपाही के मूल वेतन व महंगाई भत्ता आदेश लागू कर पीआरडी जवानों को पारिवारिक व भरपूर 100% ड्यूटी व रोजगार देने की व 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम में संशोधित कर आदेश लागू करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पीआरडी जो फिरोजाबाद के पीआरडी के जवान हैं, इन्होंने अनुरोध किया है कि पीआरडी के जवान हैं जो उनकी ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, वो इनकी ड्यूटियाँ काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, 80 किलोमीटर के दायरे में इनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो इनका कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनका जो ड्यूटी भत्ता है 395 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको दिया जाता है, लगभग महीने का 12,000 बनता है। तो ये इनका सारा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा 80 किलोमीटर के दायरे में अगर ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ पर पीआरडी जवानों ने इस आदेश को संशोधित कर आदेश लागू करने का अनुरोध किया है कि 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इनको पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत इनकी ड्यूटी लगाई जाए। नोट यहां पर आप देख सकते हैं, महोदय कृपया संज्ञान लें कि जनपद फिरोजाबाद में 2 कोतवाली मॉडर्न पुलिस थाना रिजावली व अराव मॉडर्न पुलिस थाना व विजिलेंस बिजली थाना एवं यातायात ट्रैफिक व समस्त पुलिस थाने व अन्य विभाग की ड्यूटी में पायलट प्रोजेक्ट टेक्निकल ड्यूटी सिस्टम से लगभग 100 पद पर ड्यूटी पॉइंट पीआरडी जवानों के रिक्त पद चल रहे हैं एवं 100 जवान व उनका परिवार भुखमरी की कगार पर घर बैठकर जीवन यापन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इन पॉइंट रिक्त खाली चल रहे पदों पर ड्यूटी तैनात कर रोजगार देने की कृपा करें। यानी दोस्तों, यहाँ पर एक महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर पुनः अनुरोध किया है पीआरडी जवानों ने कि जो जनपद फिरोजाबाद में 2 कोतवाली मॉडर्न पुलिस थाना हैं, तो वहाँ पर के 100 पद यहाँ पर ड्यूटी पॉइंट बिहार जवानों के रिक्त पद चल रहे हैं और 100 जवान व उनका परिवार भुखमरी की कगार पर घर बैठे कर जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको भी ड्यूटियाँ दी जाएं। यानी कुल मिलाकर पीआरडी जवानों का कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो इनका आदेश जारी किया गया है ऑनलाइन प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत जो इनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, वो ड्यूटियां काफ़ी दूर लगाई जा रही हैं। तो इनका कहना है कि इनकी ड्यूटी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में लगाई जाए और जो घर बैठे के पीआरडी जवान हैं, उनको भी ड्यूटियाँ दी जाएँ। यानी जितने भी पीआरडी के जवान कार्यरत हैं, जिन पीआरडी जवानों को ड्यूटियाँ नहीं मिल रही हैं, उन पीआरडी जवानों को भी ड्यूटियाँ दी जाएँ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर इसके बारे में आपकी कोई राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।